हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी बड़ी चटपटी सी है, बिना लहसुन प्याज के दही वाले चटपटे आलू और लच्छेदार पराठे। ये फ्लेकी खस्ता मज़ेदार पराठे ये दही वाले आलू के साथ तो वो मज़ा देते हैं कि मत पूछिए। बनाना बहुत आसान, झटपट बन जाएगा और मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, और उससे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी। हम तीन उबले हुए आलू ले लेंगे, ये 90% हमने उबाले हैं, यानी कि ज़रा सा इसमें कसर रह गई है। आलू को छील लेंगे, तो आलूओं को हमने छील लिया है, अब इन्हें क्यूब्स में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए इसी तरह से हमने टुकड़े कर लिए हैं। तो आलू को हमने टुकड़े कर लिए हैं, अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे हम। कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हो ले लीजिए। तेल गर्म हो गया है, आलूओं को हमें शैलो फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। ध्यान रखिएगा कि आलूओं को बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, वरना कड़वापन आएगा हमारे करी में। ज़रा सा नमक छीट देंगे, एक चुटकी भर। नमक के छीटने से आलू पैन के तले में लगता नहीं है और आसानी से फ्राई होता है। तो आलूओं को हमने तल लिया है, अब हम 100 ग्राम दही लेते हैं, उसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद कुछ मिलाएंगे हम इसमें। हम मिलाते हैं मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा, भुना ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और सभी मसालों को मिला करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी भी डालेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसे दही को पतला बनाना है। थोड़ा अच्छी तरह से हमें इसे मिला लेना है, तो इसी तरह ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए इतना पतला घोल बना लीजिए। अब एक दूसरी कढ़ाई में हम तेल ले लेते हैं 4 टेबल स्पून, और उसमें 1/2 टीस्पून हम डाल देते हैं ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने लगे तो डाल देते हैं चॉप की हुई अदरक और चॉप की हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च अदरक का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है फ्रेंड। इसको हम 30 सेकंड के लिए भून लेंगे, और अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। माफ़ कीजिएगा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का डालने का क्लिपिंग मैं ले नहीं सकी, तो मैंने आपको बता दिया। फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसे भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए, और अब हम इसे 2 मिनट और पका लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब फ्लेम को मैं बिल्कुल हल्का कर देना है हमें, और दही के बनाए हुए मिक्सचर को डाल देना है। तो लो फ्लेम पर दही के मिक्सचर को डालिएगा, वरना दही के फटने का खतरा रहता है। अब इसी तरह से हमने दही को डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, और इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, और फ्लेम हमारा अभी लो है तो लो ही रखना है, और लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। तो जब तक ये कुक हो रहा है हमारा ग्रेवी, हम कुछ और काम कर लेंगे। चलिए अब हम पराठे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है, और उसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब हम इसमें पानी मिला के एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे, यानी कि जैसे रोटी चपाती के लिए हम बनाते हैं ना, आटा गूंथते हैं, बस वैसे ही बनाना है। तो ये बड़ी आसानी से बनने वाली रेसिपी आपके लंच में, आपके डिनर में 4 चांद लगा देगी। तो आप झटपट बना सकते हैं, नो टेंशन, बहुत आसानी से बन जाता है ये कॉम्बो। अब हम ज़रा सा ऑयल अप्लाई कर देते हैं डो के ऊपर, और ढक करके इसे रेस्ट देंगे 10-15 मिनट के लिए। चलिए अब इधर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है, ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, मसाले उनका कच्चापन निकल गया। तो अब हम ऐड कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए आलूओं को। तो ये सिंपल सी रेसिपी फ्रेंड्स, इसमें हमने लहसुन प्याज और टमाटर किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसके बगैर भी ये बड़ी ही मज़ेदार बनती है। आप जब तैयार करेंगे ना, तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब हम 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा पानी भी हमने ऐड किया है ग्रेवी में, थोड़ी पतली ग्रेवी रखनी है। और इसी टाइम हम नमक को भी चेक कर लेते हैं, नमक ठीक है। तो अब हम इसे धीमी आँच पर पकने देते हैं कि थोड़ा सा आलू भी अच्छी तरह से रच बस जाए, इसमें हमारी ग्रेवी चली जाए। तो ढक देते हैं, और इसे हम धीमी आँच पर पकाएंगे 10 मिनट के लिए।
दीजिए। 10 मिनट हो गए हैं, फ्लेम हमने पहले ही ऑफ़ कर दिया है। कंसिस्टेंसी देख लेंगे, कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से पतला गाढ़ा रख सकते हैं। तो हमें ऐसे ही पतली ग्रेवी रखनी है, और डुबकी वाले आलू समझ लीजिए या बिना लहसुन प्याज के हैं तो तरी वाले आलू भी कह लीजिए। तो और चूँकि दही वाले आलू थोड़े पतले ही बनाए जाते हैं, तो ये तैयार हो गई है हमारी करी। अब हम बनाने चलते हैं पराठे। आटे को भी थोड़ा सा हम पहले मसल लेंगे। आटा हमारा बहुत अच्छा सा नरम सा तैयार हुआ है, अब इसकी लोइयाँ निकाल लेंगे। तो इतने आटे में हम 5 या 6 पराठे बना सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म पे हमने थोड़ा सा आटा डस्ट कर दिया है, और इस पे हमें एक लोई लेकर के रोटी बेलनी है। रोटी हमें बड़ी बनानी है, तो इसलिए हमें शीट का इस्तेमाल किया है, वरना चकला बेलन के इस्तेमाल से भी चकले पर भी हम बढ़ा सकते थे, लेकिन चकले से थोड़ा ये आगे निकल जाएगा। तो हम एक पतली सी बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। आप चाहें तो किचन काउंटर पर भी बेल सकते हैं साफ करके। तो एक पतली सी रोटी हमें बना लेनी है। ये देखिए, ये पतली सी रोटी बनके तैयार होगी। अब हम इस पर थोड़ा सा घी या आप चाहे तो थोड़ा ऑयल लगा देते हैं। ब्रश से लगाइए, हाथों से लगाइए, जैसे आपकी मर्जी। घी लगा लिया हमने। अब ऊपर से थोड़ा सा सूखा हुआ आटा डस्ट कर देते हैं। सूखा हुआ आटा क्यों डस्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये आप लोगों को भी पता होगा। वो इसलिए करते हैं कि हमारे जो लच्छा पराठा बनाने जा रहे हैं उसकी लेयरिंग बहुत अच्छे से निकल के आए। और अब देखिए, जैसे बचपन में हम लोग पेपर के फ़ैन बनाते थे ना, बस उसी तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो याद आ गया हमें स्कूल का ज़माना, ये हमारा फ़ैन इसी तरह से बनता था। याद आया, आप लोगों को भी याद आ गया होगा। तो इसी तरह से जिस तरह से फ़ैन को फ़ोल्ड करते थे ना हम लोग पेपर फ़ैन को, उसी तरह फ़ोल्ड कर लेना है रोटी को हमारे, और थोड़ी सी खींच के बड़ा कर देंगे। अब दोनों साइड से हम इसे गोल गोल घुमाएंगे, एक साइड से घुमाएंगे आधी दूरी तक, अब दूसरे साइड से भी आधी दूरी तक घुमाएंगे, यानी कि दो हमें सर्किल टाइप के ये तैयार कर लेने हैं। और एक के ऊपर एक रख के जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह से एक लोई हमें तैयार करनी है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो चलिए और बना लेते हैं। तो 3 पराठे हमें बनाने हैं। हमने 3 लोइयाँ तैयार कर ली हैं, और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया। 10 मिनट के बाद अब हम बेलेंगे। तो एक लोई ले लेते हैं, ऊपर थोड़ी सी धनिया की पत्ती फैला देंगे। ये मैं अपने आप इनोवेशन है मेरा, अब धनिया पत्ती डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा, लुक भी अच्छा आएगा। तो धनिया की पत्ती डालने के बाद हम थोड़ी सी पराठे को आगे बेल लेते हैं। ये देखिए, तो हमने 3 पराठे बेल दिए हैं। तवा गर्म हो गया है, तवा मीडियम हॉट है। पराठे को डाल देते हैं और 1 मिनट के बाद उलटेंगे। ये देखिए, अभी से परतें खुलने लगी हैं, कितनी प्यारी खूबसूरत सी परतें नज़र आ रही हैं। अब हम दोनों साइड पका करके थोड़ा सा घी लगा देंगे, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और पकाते पकाते ही इसके लेयर्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये नरम मुलायम खस्ता से पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं आपको। ये देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा फ्लेकी लच्छेदार पराठा बन के तैयार है। सारे लच्छे अलग अलग हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी इस तरीके से बनाइए, बहुत इजी है बनाना। ये देखिए कितनी अच्छी परतें खुल के आ रही हैं। तो आइए सर्व करते हैं। तो पहले एक बाउल में हम अपने बिना लहसुन प्याज के दही वाले आलू को निकाल लेंगे। देखने से ही बहुत ही लज्जेदार और टेम्पटिंग मज़ेदार लग रहे हैं, चटपटे से, साथ में हमारे ये लच्छेदार परतों वाले पराठे। अगर आप रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।